हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे असरदार उपाय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की टिप्स में मैं आपको चेहरे की रंगत को निखारने का और चेहरे को ग्लोइंग बनाने का एक बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की रंगत निखरेगी, साथ ही आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे असरदार उपाय को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे भी मेरे नए वीडियोस को देख सके और बेल बटन को जरूर दबाएं मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा हल्दी का पेस्ट। आपको हल्दी लेना होगा आधा चम्मच की मात्रा में। हल्दी पाउडर लेने के बाद अब इसमें आपको मिक्स करना होगा नींबू का रस। आपको इसमें इस तरह से नींबू का रस इसमें निचोड़ देना है। हल्दी हमारी त्वचा की रंगत को निखारता है और हमारी त्वचा के दाग धब्बों को भी ये बहुत ही आसानी से दूर करता है। साथ ही नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी त्वचा को निखारने के साथ ही हमारी त्वचा को ग्लोइंग भी बनाता है। अब इसमें आपको लेना है टमाटर का रस। आपको इसमें टमाटर का रस मिक्स कर लेना है। इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे लगाने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि इसे आपको इस तरह से लेकर के हाथ में और अपने चेहरे और गर्दन पर लगा करके इस तरह से 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। फिर इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने देना है। उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लेना है। दूसरा तरीका जो है वो है टमाटर का टुकड़ा लेना है, इसमें इस तरह से डिप करना है और इसे अपने चेहरे गर्दन और हाथ पैरों पर भी लगा करके इस तरह से आपको 2-3 मिनट तक मसाज करना है। इस तरह से इसके बाद आपको इसे 20 मिनट के लिए लगा करके छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आपको नॉर्मल पानी से इसे धो लेना है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की रंगत निखर जाएगी, साथ ही आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाएगा और चेहरा एकदम गोरा निखरा और बेदाग दिखेगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।